पद्य संख्या एकादश ग्यारह कहाँ है? समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः। काय समा यानी एक सुंदर शरीर वाले, समान समविभक्त अंग और अच्छे सुडोल शरीर वाले, विभक्त अंग अर्थात अच्छे, न ज़्यादा लंबे न ज़्यादा न छोटे, इस प्रकार समान अंगों वाले, स्निग्ध वर्ण चिकने रंग वाले, प्रतापवान पराक्रमी, पीन वक्षा, वक्षा का मतलब होता है छाती, पीन यानी भरी हुई छाती वाले, विशाल अक्षो बड़ी बड़ी आँखों वाले, लक्ष्मीवान यानी कि ऐश्वर्यशाली, और शुभ लक्षणा यानी सुंदर लक्षणों वाले ऐसे श्री रामचंद्र जी। वापस से देखते हैं कि समः समविभक्ताङ्गः यानी कि उनका शरीर समविभक्ताङ्गः है, अच्छे प्रकार से समान और सुंदर दिखने योग्य अंगों से युक्त, स्निग्ध वर्ण चिकने रंग का, प्रतापवान पराक्रमी, पीन वक्षा उभरी हुई छाती के, विशाल अक्ष बड़ी बड़ी आँखों, तथा लक्ष्मीवान सुंदर शोभावान, तथा शुभ लक्षण सुंदर लक्षणों से युक्त है। आगे कहा है धर्मज्ञ सत्य संध च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिर्वस्य समाधिना। कहा है धर्मज्ञ वो श्री रामचंद्र, धर्मज्ञ यानी धर्म को जानने वाले, सत्यसंध, संध का मतलब कहा प्रतिज्ञा, सत्यसंध यानी हमेशा अपनी प्रतिज्ञा को मानने वाले, अर्थात उनकी प्रतिज्ञा हमेशा सत्य होती है। प्रजानाम च हिते रते और प्रजा की भलाई में लगे हुए, रत यानी लगे हुई, यशस्वी यश वाले, यशवान ज्ञान संपन्न ज्ञानी, शुचि पवित्र, वश्य इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले, और समाधिमान, समाधि का मतलब होता है मन को एकाग्रचित करने वाले, ऐसे श्री रामचंद्र जी हैं। आप इसे देख लें कि श्री रामचंद्र जी के गुणों के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं नारद जी वाल्मीकि जी से कि वो श्री रामचंद्र धर्मज्ञ यानी धर्म को जानने वाले हैं, सत्य संदच सत्य प्रतिज्ञ है, प्रजानाम च हिते रत प्रजाओं की भलाई में लगे हुए रहते हैं, और यशस्वी यानी यशवाशाली हैं, ज्ञान संपन्न ज्ञानी है, सूची यानी पवित्र है, वश्य यानी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले हैं, और समाधिमान मन को एकाग्रचित करने वाले हैं, ऐसे श्री रामचंद्र। आगे कहा है प्रजापति शम श्रीमान धातरी पुनिषूदन रक्षिता जीव लोकस्य धर्मस्य परिरक्षितः। अब कहा है कि श्री रामचंद्र कैसे हैं, तो कहा है प्रजापति सम श्रीमान, प्रजापति ब्रह्मा जी के समान, श्रीमान यानी ऐश्वर्य वाले, धाता पालन करने वाले, और रिपु निषूदन, रिपु का मतलब शत्रुओं का निषूदन यानी नाश करने वाले हैं, रक्षिता जीवलोकस्य और संपूर्ण जीवलोक के रक्षा करने वाले, धर्मस्य परिरक्षिता और धर्म के रक्षक है। पुनः देख लें कि वो श्री रामचंद्र का है कि वो प्रजापति सम श्रीमान, प्रजापति के समान, ब्रह्मा के समान, श्रीमान यानी ऐश्वर्य वाले, दाता यानी पालक, तथा रिपुनिषूदन है शत्रुओं का नाश करने वाले, जीवलोकस्य रक्षिता इस संसार की रक्षक, धर्मस्य परिरक्षिता
और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। आगे कहा, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निश्चिता। कहा है कि वो श्री रामचंद्र है स्वस्य धर्मस्य रक्षिता, अपने धर्म की रक्षा करने वाले, स्वजनस्य च रक्षिता और अपने लोगों की रक्षा करने वाले, वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेद और वेदांग चार वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद और वेदांग छह, व्याकरण शिक्षा कल्प ज्योतिष निरुक्त और छंद, इन सब अर्थात चारों वेद छह वेदांगों के तत्वों के यानी जानकार, धनुर्वेदे च निश्चित और धनुर्वेद में भी निश्चित यानी स्थिति सुदृढ़ प्रवीण है। पुनः देख लीजिए कि श्री रामचंद्र जी स्वस्य धर्मस्य रक्षिता, अपने धर्म की रक्षा करने वाले, स्वजनस्य च रक्षिता, अपने लोगों की रक्षा करने वाले, वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेद और वेदांगों के तत्वों को जानने वाले, धनुर्वेदे च निष्ठिता और धनुर्वेद में भी प्रवीण है ऐसे श्री रामचंद्र। नारद मुनि वाल्मीकि जी से श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान करते हुए आगे कहते हैं कि सर्वशास्त्र अर्थ तत्व स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोकप्रिय साधुरेदान आत्मा विचक्षण। कहा कि वो सर्वशास्त्र अर्थ तत्व, वो सभी शास्त्रों के अर्थ और उनके तत्व को ज्ञ यानी जानने वाले हैं, स्मृतिवान बहुत ही अच्छी स्मृति से युक्त है अर्थात स्मरण शक्ति बहुत बढ़िया है, प्रतिभानवान प्रतिभा संपन्न है, सर्वलोक प्रिय सभी लोगों में प्रिय अर्थात संपूर्ण संसार के प्रिय, साधु अच्छे स्वभाव वाले और अधीन आत्मा, और अधीन का मतलब कंजूस नहीं है, उदार मन वाली और विचक्षणा चतुर हैं ऐसे श्री रामचंद्र। कहा है श्री रामचंद्र सर्वशास्त्र अर्थ तत्व, सभी शास्त्रों के अर्थ और उनके तत्वों को जानने वाली, स्मृतिवान इस बड़े अच्छी स्मृति शक्ति से युक्त अर्थात स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभानवान प्रतिभाशाली, सर्वलोक प्रिय सभी लोक में प्रिय, साधु अच्छे व्यवहार वाली, अधीन आत्मा उदार हृदय वाली और विचक्षण चतुर आदमी अर्थात ऐसे पुरुष है श्री रामचंद्र। कहे सर्वदा अभिगत सद्भि समुद्रैव सिन्धुभि आर्य सर्वसमच्चैव सदैव प्रिय दर्शन। आगे श्री राम जी के बार बारे में कहते हुए कह रहे हैं कि सर्वदा अभिगत सद्भि, सद्भि यानी सज्जन व्यक्तियों के द्वारा सर्वदा अभिगत, हमेशा उनके पास जाने होंगे अर्थात सज्जन व्यक्तियों के लिए हमेशा वो उपलब्ध रहते हैं। बोले किस प्रकार, तो कहा है समुद्र एवं सिंधु भी, जिस प्रकार सिंधु भी यानी नदियों के लिए समुद्र हमेशा उपस्थित रहता है उनके मिलने के लिए, इसी प्रकार वो भी सर्वदा यानी हमेशा सद्भि अभिगत सज्जनों से घिरे हुए रहते हैं अर्थात हमेशा सज्जन उन्हें पुरुष उनसे मिलते रहते हैं। आगे का आर्य, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, सर्व समच्चैव सर्व सम सभी में समा यानी समान भाव रखने वाले, और सदैव प्रिय दर्शनी हमेशा सुंदर दर्शनों वाले अर्थात कभी भी गुस्से या उदास मन से नहीं दिखते। पुनः देख लेते हैं कि सर्वदा सद्भि अभिगत, हमेशा सज्जनों के मिलने वाले अर्थात सज्जनों से घिरे हुए रहने वाले, समुद्र एव सिंधु भी नदियों के लिए समुद्र के समान वो सज्जनों के लिए हमेशा मिलने वाले, आर्य यानी श्रेष्ठ
सर्वसामच्चैव सर्वी में समान भाव रखने वाली सदैव प्रिय दर्शनी और हमेशा सुंदर दर्शनों वाले ऐसे श्री रामचंद्र। आगे कहा, सच सर्व गुणोपेत कौशल्यानंदवर्धन समुद्रैव गांभीर्य धैर्येण हिमवानयो। अब कहा कि स्व यानी वह श्री रामचंद्र सर्व गुणोपेत सभी गुणों से संपन्न कहीं के मामला,